तो इस ये क्वेश्चन देखो, ए बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड बी, ठीक ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी व्हेन रेडियस वेक्टर डिस्क्राइब एंगल थीटा। देखो इस रिजल्ट को याद करो, ये बहुत ही पावरफुल रिजल्ट है, बहुत ही पावरफुल रिजल्ट है। और शॉर्ट वीडियो मेरा देखना, उसमें इस पे मैं 8-10 क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ इसको ट्रिक यूज कर, ठीक है। तो कभी भी फिजिक्स में अगर कोई वेक्टर ऐसे चेंज होता है, मान लो ये वेक्टर X1 है, अचानक से गाड़ी इधर जाने लगी और वेक्टर ये X2 हो गया, लेकिन X1 और X2 का मैग्नीट्यूड सेम है यार, X1 वेक्टर मॉड बराबर है X2 वेक्टर मॉड, मतलब ये अगर 50 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चल रही थी 50 मीटर, तो ये भी 50 मीटर से चल रही है, लेकिन डायरेक्शन बदलने से वेक्टर बदल गया, तो चेंज इन डेल्टा एक्स जो आता है वो 2x साइन थीटा बाई 2 आता है। थीटा इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री, इसको आगे बढ़ा दोगे तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो वही ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है। फिर भी मैं इसको एक बार डिराइव कर देता हूँ कि तुम लोग देखो, एक सर्कल है, अगर सर्कल में कोई नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा पार्टिकल जिसकी मैग्नीट्यूड या वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी V1 इधर है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, और अचानक से थीटा डिस्क्रीट डिग्री ऐसे आगे बढ़ा पार्टिकल, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आ गया, तो जो वेलोसिटी है वो V2 इधर आ जाएगी यार, समझ में आया। तो अब चेंज तुम देखोगे तो चेंज अगर तुम इसमें निकालोगे, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ में, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ ए भी दिया हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बॉडी मूवमेंट सर यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब V1 बराबर V2 बराबर V मान लेता हूँ, तो जब चेंज निकालोगे तो ये V2² माइनस V1² प्लस V1² -2 × V1 V2, इनके बीच का एंगल कॉस थीटा, और ये सब कुछ अंडर रूट, तो यहाँ से तुम देखोगे तो यहाँ से 2V1V² और -2V² और कॉस थीटा, ये सब कुछ अंडर रूट यहाँ से। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पर, तो ये जो है तुम 2V² यहाँ से कॉमन ले लो, 1 - cos थीटा अंडर रूट बचेगा, तो अगर तुम देखोगे तो 2V² 1 - cos थीटा होता है 2 sin² θ/2, तो ये वाली चीज़। अगर तुम देखोगे यहाँ से तो 2V sin θ/2 जो कि ऊपर वाला रिजल्ट ही आया, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आप इसको याद कर लो बच्चों, ये बहुत ज़्यादा सवाल सॉल्व करेगा, तो 2V sin θ/2 दैट इज डी ऑप्शन सही है, तो इतना मैग्नीट्यूड में चेंज आया होगा।